जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी अपने हेलीकॉप्टर में हूँ। क्या बोला तूने? मैं अभी अपने हेलीकॉप्टर में हूँ और अभी हम जा रहे हैं तमारा रेगिस्तान की तरफ और वहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी है, तो हम अभी वहाँ पे आ रहे हैं और अभी हेलीकॉप्टर हमें हमारे डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। भाई तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे सालो कैसा उतारते हो तुम लोग। हाँ तो हे गाइस, मैं हूँ बेयर गुप्ता और आपका स्वागत है मैनवर्सेस वाइल्ड के एक नए वर्जन में। तो ये है हमारा तमारा रेगिस्तान, जिसका हमारा रेगिस्तान ये क्या है। तो हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अमेजोन जैसी घने जंगलों से लेकर हिमालय जैसी घनी वादियों में आप घंटा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बियर गुप्ता के साथ आगे बढ़ते। तो मैन वर्सेस वाइल्ड के डायरेक्टर ने हमें बोला है कि हमें हमारा बैग आगे मिलने वाला है, तो पहले हम अपने बैग को ढूंढेंगे, उसके बाद हम और आगे का जो भी है वो बताएंगे। और साथ में मैं आपको एक बात और बता दूँ, इस जगह में बहुत जहरीले सांप रहते हैं, जैसे कि वाइपर हो गया और बहुत सारे, और कोबरा हो गया वो घुंघरू वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी मैं आपको उस सांप से रूबरू करवाने वाला हूँ जो हमें आगे दिखने वाले हैं। वहाँ पे कुछ है, चलिए चलिए, रुको रुको रुको। अब मैं आपको सांप को भगाने का एक निंजा टेक्निक मतलब रामबाण बताने वाला हूँ। तो देखिए पहले आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा सीखिए, देन फिर गाना गाइए। देखा आपने, सांप भाग चुका है। तो ऐसी ट्रिक आप जंगलों में अपना सकते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि हमें यहाँ पे बैग ढूंढना है हमारा। वो काला काला क्या है? हाँ ये है हमारा बैग। वो यहाँ पे हमें हमारा बैग भी मिल चुका है गाइस। अब हम हमारे आगे के सफर पे निकलते हैं। ये देखिए, ये शायद पीपल का पत्ता है जो सूख चुका है, मतलब यहाँ पे हमें पानी मुश्किल से मिलेगा। वो पेड़ कुछ अलग प्रकार का दिख रहा है, वहाँ पे हमें जाके देखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो शायद वहाँ पे हमें पानी मिल सकता है। ये कौन है इसलिए जंगल में बैठा आदमी? आप कौन है? नाग, इच्छाधारी नाग। क्या? कच्छाधारी नाग? अबे इच्छाधारी नाग, माफ करना। ये ना, मैं उस तरह का नाग नहीं हूँ। ये देना। अरे मैं वो नहीं दे रहा हूँ। अब तो हमारा मोबाइल भी जा चुका है, वो इच्छाधारी क्या नाक था मालूम नहीं। अब हमारा कनेक्शन भी जा चुका है साथ में और हमारा मोबाइल भी हमारे पास नहीं। तो हे गाइस, यहाँ पे हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होगी, तो सबसे पहले हमें पानी ढूंढना पड़ेगा वरना हम डिहाइड्रेट होके हमारा गेम पे काम तमाम हो जाएगा। चलिए अब हम पानी, ठीक है यहाँ पे देखिए मिट्टी अभी तक गीली है और साथ में यहाँ पे पानी के स्रोत भी है, तो हमें यहीं कहीं आसपास ढूंढना पड़ेगा पानी। तो लग रहा है वो पेड़ के पास हमें पक्का पानी मिल सकता है, तो अभी हम वो पेड़ के पास जाके देखते हैं। आराम से आना, यहाँ पे थोड़ा वो है पेड़ पौधे, मैं थोड़ा इंजॉय ले चुका हूँ।